सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है अली और आज की जो वीडियो हम रिएक्ट करेंगे अभिषेक कुमार की ट्रेंडिंग एडिट्स और हमारे मेरे यार फेवरेट थे जो कि रनर अप मैं कहूँगा बंदा खड़ा था, और मतलब ऐसा था कि मेरा दिल ये भी था कि मुनव्वर जीते, पर ये भी था कहीं ना कहीं अभिषेक भी जीते। पर मैं कहूँगा बंदे ने यार कमाल लड़ा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं उसकी एक वजह बताऊँगा, पहले वीडियो देख लूँगा फिर मैं आपको बताता हूँ अभिषेक कहाँ था और क्या बन गया है और उसने कैसे इतने लेवल पर टक्कर दे दी। ये बहुत बड़ी चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ मैं आपको एक आखिर में बताऊँगा क्या है जो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, क्योंकि इसके पीछे, क्योंकि अभिषेक बहुत लोगों को पता अगर हो कि वो उस लेवल के नहीं थे कि वो टक्कर दे पाए एज अ फाइनलिस्ट, वो बन गए हैं। वो बने कैसे वो हम लास्ट में बात करेंगे, वो बने कैसे, क्योंकि मैं इनको नहीं जानता था बिग बॉस से पहले, मैं नहीं जानता, और जब मैं जान गया फिर मैंने इनकी रिसर्च वगैरह मारी, इन्होंने क्या क्या काम करा है, और फिर मैं मुनव्वर की भी मुझे पता ही था कि वो उसके कैसे बॉन्ड है, किस किस के साथ है, तो मैंने अभिषेक की भी करे रिसर्च। तो मैंने जब इनको फाइनल्स में देखा ना, ओहो, मैंने कहा भाई बंदे में टक्कर है, टक्कर दी है बंदे ने। तो पहले वीडियो देखते, मैं लास्ट में फिर क्लियर बात करता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो 3, 2 एंड स्टार्ट। तू दूर रह के तो दूर थी, पास रह के भी दूर है, तुझे प्यार ना करना चाहूँ फिर भी दिल ये मजबूर है। सब कहते हैं तू आगे बढ़ जाओ, अब वो तेरी नहीं रही, पर एक तरफा प्यार करने का भी तो एक गुरूर है। अभिषेक ब्रो, लड़कियाँ पागल हो रही है तेरे पीछे बाहर, पागल हो रही है, फुल पावर। एक लड़की चाहिए, उसे एक लड़की दिलवा। क्यों पता है ना, टी शर्ट निकालता है ना तो सही लगता है। तो मेरे पैर भी कदम हो गए। और ये सब आप लेके नहीं जा सकते। चलो रात हो गई है, अभिषेक के कपड़े निकालने का टाइम। मलाड के सलमान खान जाने जाना, तूने तुझे दीवाना, सपनों में रोज जिंदगी में आना सना। आपको बताता हूँ वो जो चीज बोल रही है ना, मेरे मैं वहां से निकला हूँ, इसलिए मेरे को बोला जा रहा विक्की भाई, मैं वहां से निकला हूँ, मैं उस चीज से निकल के आया हूँ विक्की भाई, मैं गया हूँ वहां से विक्की भाई। तेरा तो अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्रों का सलाम रखना। हाँ ब्रो, तू कंपटीशन कम ही कर दिया खुद ही, अब तू वो नहीं बोल सकता इंटेंशनली नहीं था, क्योंकि तू 5-10 मिनट पहले कैमरा पे जाके खुद ही बोला था मेरे को पोकिंग हो रही है, मेरा हाथ उठ सकता है। तू तो अभी गया है भाई, अब खाली बस संभाल अपने आप को 2 दिन, बट चमत्कार में बिलीव कर, गलती की सजा और माफी दोनों होती है। I will tell you one thing, okay? I'm not supposed to say this, but I will tell you one thing. जब अभिषेक ने समर को थप्पड़ मारा ना, मारा जब थप्पड़, तो वो ना एक ऐसा हो गया क्या, मार साले को। वो जब हीरो जो पिटता है ना एंड में, विलन मार रहा है, ये हो गया वो हो गया, और फिर जब हीरो उठ के मारता है विलन को, जो सीटी पड़ती है ना, वो सीटियां पड़ी है। बैक राइट, मतलब क्या हुआ, बुला लो उसे, सारे अगेंस्ट है तकरीबन। अभिषेक बाहर आ जाओ, फलक तू गरज तू बरस तू, धूप में छाओ की एहसास तू।
जब ये आया था तब लग रहा था दबंग, ये निकला ये दिल्ली, ये जहां भी जाएगा खाएगा, चाहे इंदौर हो या दिल्ली। अगर तेरी जल रही है ना बेटे, तो अपनी माची स्वीकार और बुझा दे दिल्ली। चला दिया है मेरी चीज लेके जा रहा है, मैं जीता हूँ, कर जो करना है जीता हूँ, कर जो करना है मैं जीता हूँ। आपको आप में पावर है इतनी, मैं जीता हूँ, मैं जीता। फर्स्ट डे तुमने बोला था, सुन ले, सुन ले, मैं महिषा नहीं हूँ, मुझ पे मत चिल्ला, मुझ पे मत चिल्ला, सुन सुन किसी और से बात कर, सुन सुन किसी और से बात कर, तूने बोला हूँ मैं पे मत चिल्ला, सुन सुन किसी और के बात कर। मैं पसंद हूँ चाहे ना हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। चलो खंजे, मैं दिल से खेलती हूँ और मेरे पास दिल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब टॉर्चर टास्क हुआ था तो मैंने सारा कुछ छिपा दिया था, क्योंकि मैं दिल से खेलना चाहती थी और मैं इनको एक भी मिर्च या कुछ भी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मैं दिल से खेलती हूँ। मेरे में इतना बड़ा दिल है कि मुझे पता ही नहीं किसके साथ दोस्ती करनी है, किसके साथ नहीं करनी है। जो मेरा सच्चा दोस्त है मुझे पता ही नहीं चलता, और जो मुझे झूठे दोस्त है मुझे पता चल जाते हैं। जैसे ईशा मेरी झूठी दोस्त है और मेरे को पता है मेरे से दिल से, और मेरा सच्चा दोस्त जो मुनव्वर है वो मेरे साथ दिल से नहीं है। और मैं अपने पति से बिल्कुल इतना ज्यादा प्यार करती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी इतनी सी भी जलन नहीं होती है। मनारा के साथ जब वो बातें करते हैं तो मेरे को बिल्कुल इनसिक्योरिटी नहीं होती है, बिल्कुल भी मेरे को जलन नहीं होती है। जब मनारा के साथ चाय पी रहे होते हैं, कॉफी पी रहे होते हैं, मैं सोते हुए भी देखती रहती हूँ कि मेरा पति मनारा के साथ क्या कर रहा है। बट इट्स ओके, आधा दिन मैं सोके निकालती हूँ, बट आज मैं टॉप 7 में खड़ी हूँ, क्योंकि मैंने पवित्र रिश्ता किया था एक टाइम पे। पवित्र रिश्ता के फैंस अभी भी जुड़े हुए हैं, अभी भी मैं सोके ये सीजन में टॉप 5 में पहुंचने की जरूरत कर रही हूँ। धन्यवाद अंकिता लोखंडे के साथ। हीरो की जर्नी थी, रोने वाली नहीं थी, मानना पड़ेगा। मैंने कुछ लिखा भी था, सुनाऊं क्या? बिग बॉस मैंने बिग बॉस का सफर अपने हाथों से लिखा है, कुछ गलतियां करके बहुत कुछ सीखा है। अब कोई पसंद करे या ना करे, मैं ऐसा ही हूँ। चलो गाना बजाओ। भाई भाई आज उल्टा हो गया। आया पोल आयो। अच्छा उसने बताया मैं पोल हूँ। मैंने दिल जीता अगर ट्रॉफी नहीं जीती। सावर विनर इज मुनव्वर। अब ऐसा ना करो के दिल जुड़ ना पाए वापस, तेरी बातों से बिखरे जाऊं। हाँ
माना जमाना है दीवाना इसीलिए तूने ना ये तो अकेला आता है ये अभी से जा रहा है आपसे एक बार कैसे मिला अच्छा लगा आपको फोन उठाया अच्छा लगा फोन उठाया फोन उठाया फोन उठाया गलत है ये मेंटली टॉर्चर करना है बंदे को मेंटली टॉर्चर करना है पर ये गलत है बिल्कुल गलत है और इस पर दोनों को पता होना चाहिए तुम्हारी इमेज बाहर क्या जा रही होगी ईशा की और समर्थ की। पर मैं जो कह रहा था जहाँ से वहाँ वाला सफ़र वो ये था कि मुनव्वर जो है बिग बॉस के आने के अंदर ही पता चल गया था कि हवा को इधर उधर कर रहा है मतलब ट्रेंड को हिला रहा है ट्रेंड या तो इससे बन रहा है या तो ट्रेंड में घुस रहा है एक चीज़ें कंफर्म हो रही थी और पीछे से सेलिब्रिटी सपोर्ट भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। बात करेंगे अभिषेक की हमारा एक और चैनल था ड्रामे का जिस पर हम रिएक्ट करते थे मैंने आज तक कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं देखी जहाँ पे अभिषेक के ड्रामे बोले गए हो रिएक्ट करने के लिए या मैंने खुद कभी एक्सपोज कराओ यार ये ड्रामा अभिषेक का ये है मैंने मेरे को प्रियंका का पता है प्रियंकित टैग का पता है अपना प्रियंकित टैग में जो है नाम मैं अभी भूल गया उनका हमारा मेमोरी थोड़ा वीक है पर अभिषेक को मैंने जितना पर रिसर्च करा यूट्यूब पर चला अभिषेक की फ़ैन फॉलोइंग है पर मैं कहूँगा कि उस लेवल की नहीं थी जब मैंने रिसर्च करी थी कि वो फाइनलिस्ट और मुनव्वर के साथ खड़ा हो जाए। और एक और इस यहाँ पे पॉइंट ऐड करूँगा अरुण की भी अरुण गेमर उनकी भी इतनी नहीं थी कि वो टॉप 5 के सफ़र तक पहुँचे। इन दोनों ने अपनी पर्सनैलिटी के साथ इन मुनव्वर ने तो करा क्योंकि वो खिलाड़ी तो है पर इन दोनों ने अपनी फ़ैन फॉलोइंग जो थी ना जो गुस्से थे वो नहीं थी जो अभी है वो यहाँ थी। दोनों ने अपनी फ़ैन फॉलोइंग यहाँ पहुँचाई अभिषेक ने यहाँ अरुण ने वहाँ। अरुण टॉप 5 के अंदर मेरे 3 बंदे फेवरेट थे मुनव्वर वो 4 थे एक थी मनारा एक था मुनव्वर एक था अभिषेक एक था अरुण। अरुण पर हमेशा मेरे को टेंशन है यार ये निकल जाएगा बंदा ऑनेस्ट बड़ा रियल बंदा है ऐसे बंदे अक्सर निकल जाते टॉप 5 के अंदर आ गए। मैंने कहा टक्कर दे दी इसने बड़े बड़े TV स्टारों को जिनको लगता था हम कुछ हैं निकल गए वो अपना गेमर रह गया। अभिषेक एक उस लेवल पे खड़ा हो गया कि मुनव्वर फारूकी के बाद अच्छा खासा सपोर्ट है उसके बराबर में टक्कर देने के लिए अभिषेक खड़ा था तो मेरी नज़र में ये खिलाड़ी है। अब इसकी जो है ना फैन फॉलोइंग एक उस लेवल पे चली गई थी कि ये फाइनलिस्ट और मुनव्वर को टक्कर दे रहा है समझ रहे हो ना वो ऐसे ही हो गया कि MC स्टैन को टक्कर दे रहा शिव ठाकरे एल्विस को टक्कर दे रहा अभिषेक। आप समझ जाओगे सामने वाली जो पार्टी है ना वो कुछ गिर गई है पर वो अच्छे खासे मार्जिन पे खड़ी है तो ये एक अच्छी खासी कामयाबी होती है कि आने वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं ना नज़र इन्हीं पे रखते हैं भाई रनर अप कौन था विनर कौन था। मेरी नज़र में भाई मुनव्वर तो जीता पर अभिषेक भाई दिल जीत के रख दिया क्योंकि उसको जिस तरह का मेंटली टॉर्चर किया गया ना ओहो और जिस तरह वो हीरो बन के निकला ओए हो हर लड़के के साथ ऐसा होता है घर के अंदर कुछ और रीज़न होते हैं पर जब वो उसको बोला जाता है और जब वो डील करता है ना जैसे मैंने उनकी वीडियो देखी थी मिस्टर फैसू की उन्होंने कहा यार मैं भी इस बंदे से रिलेट कर रहा हूँ जब इसको इतना सब कुछ बोल रहा होता है ना कि देख जाए टाइम आता दिमाग काम करना बंद हो जाता है फिर हाथ काम करता है। बंदे ने सिर्फ एक ही दफा हाथ उठाया पर बर्दाश्त करा पूरे सीजन में बर्दाश्त करा क्योंकि यही करना था। तो बड़ी ही मुझे अच्छी लगी बात जब मैंने अभिषेक को फिनाले में देखा जीता नहीं तब भी खैर है मेरी नज़र में तो विनर है क्योंकि इसने दिल जीते हैं एक ये अभिषेक और इससे पहले वाला अभिषेक दोनों जीते नहीं है पर दिल ज़रूर जीते हैं। तो दिल जीतना भी कभी कभी बड़ी बात होती है क्योंकि अक्सर जो रनर अप होते हैं जो फिनाले मतलब तो विनर के साइड में खड़े होते हैं सलमान खान के उस साइड वो याद नहीं रहते बहुत से बिग बॉस निकल गए नाम याद नहीं हमें वो निकल गए भूल गए हम अभिषेक याद रहेगा
विनर तो याद रहता है, मैं उस साइड बात कर रहा हूँ जो उसके ऑपोजिट में खड़ा था, जो हारने वाला बंदा वो याद रहता है कि नहीं रहता ये, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बंदे के दिमाग में याद रह गया। मैंने बहुत सारे बिग बॉस देखे, मैं कुछ भूल भी गया हूँ मुझे याद दिलाओगे तो मुझे याद आएगा कि विनर कौन था और इस साइड कौन था, और कुछ ऐसे सीज़न हैं जो कि मुझे याद है, 13 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, OTT हो गया, ऐसे कुछ ऐसे सीज़न होते हैं आपको दोनों पार्टी के याद होते हैं। तो वो चीज़ मैं करना चाह रहा था कि अभिषेक कहाँ से आया था, कहाँ पहुँच गया ये बंदे के लिए। यार बंदे ने 6 महीने जो सफ़र करा था ना, मैंने इसकी वो भी पढ़ी क्या हुआ था इसके साथ जो 6 महीने घर वाले क्या बोलते थे, मैंने पूरा पढ़ा, मैं थोड़ा बंदे के साथ इमोशनली कनेक्ट हो गया था, तभी मैं आखिर में बोला। बाकी आप ज़रूर बताना ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्यारा सा लाइक और कमेंट बॉक्स में प्यार निचावर कर दो, और अगर आपके पास अभिषेक की और अच्छी एडिट्स हैं या भले ड्रामे की हो इंस्टाग्राम पे शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।